शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और हुकूमत की जानिब से जो नया प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है इंशाल्लाह हुकूमत की जानिब से आपको इस प्रोग्राम में इमदाद भी ज़रूर दी जाएगी और हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसी आती है या नया प्रोग्राम आता है उसके हवाले से हम आपको ज़रूर बताते हैं। अब मौजूदा हुकूमत की जानिब से एहसास की जो पॉलिसी है उसमें कुछ तब्दीली की जा रही है और कुछ नई अपडेट डाली जा रही है। मौजूदा हुकूमत के पास इस टाइम वक्त बहुत कम है क्योंकि इनको जो हुकूमत मिली है ये तकरीबन 16 मंथ की है और इसी दौरान हुकूमत की जानिब से जो नई मनसूबाबंदी की जा रही है इसके तहत तमाम ख़ानदानों को सपोर्ट किया जाएगा और उनको बराह रास्त इमदाद फराहम की जाएगी। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनको फौरी तौर पर हुकूमत की जानिब से इमदाद दी जाए, तो मौजूदा हुकूमत की जानिब से तमाम NIC रखने वाले अफराद के लिए बहुत अच्छी खबर है और सिम रखने वाले अफराद के लिए अच्छी खबर है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से भी इनको मकम्मल तौर पर सपोर्ट किया जाएगा और एक बड़ी रकम दी जाएगी। इससे पहले भी जो हुकूमत आई थी उसकी जानिब से आप जानते हैं 50,000 तक की इमदाद फराहम की जाती थी उन तमाम लोगों को जो बहुत ज़्यादा गरीब होते थे ताकि वो माली हालात को बेहतर कर सके और मुस्तहकम हो सके। अगर हुकूमत पाकिस्तान ये प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान के लिए शुरू कर दे और जो 14,000 रुपये की इमदाद है ये देना बंद कर दे और इसकी जगह पर ये वाली जो इमदाद है ये दी जाए तो यकीनन आप जान सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान से जो लोग गरीब होंगे वो खुद को मुस्तहकम कर लेंगे और उनको बार बार फिर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान पर मुनसर करता है कि वो कौन सा प्रोग्राम किस वजह से शुरू कर रही है और कब शुरू कर रही है। मौजूदा हालात को देखते हुए जो प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है इसके हवाले से हम आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ऐलान किया गया है कि हमने जो एहसास प्रोग्राम है इसको बेहतर बनाना है, इसका नाम भी तब्दील करना है। इसका नाम जो है पहले एहसास था लेकिन अब BISP प्रोग्राम रखा जा रहा है और BISP के ऑफिस भी बनाए जा रहे हैं। BISP के जो ऑफिस है वहाँ से अगर आप खुद को जाकर रजिस्टर करवाते हैं तो वहाँ से हुकूमत की जानिब से आपको 14,000 रुपये वाले प्रोग्राम में रजिस्टर किया जाता है जो कि अब इसकी अमाउंट इंक्रीज़ हो चुकी है, अब आपको ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो NIC और सिम होल्डर के लिए हुकूमत की जानिब से प्रोग्राम शुरू किया गया है इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। इसके लिए सिर्फ आपके पास कौमी शिनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है और अगर आपकी एक फैमिली है, एक ख़ानदान है, तो आपके बच्चों के उसके अंदर बेफार्म होना ज़रूरी है और आपकी जो अहलिया है उसके लिए ज़रूरी है कि उसका भी शिनाख्ती कार्ड बना हो। इस प्रोग्राम में मर्द हज़रात भी शामिल हो सकते हैं और ख़वातीन भी शामिल हो सकती है। यहाँ तक कि हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है कि हम जो नौजवान तबका है उसको भी यहाँ से सपोर्ट करें, उसको भी ये इमदाद फराहम करें ताकि उसके जो माली हालात हैं वो भी बेहतर हो जाए। तो अब ऐसे तमाम ख़ानदान जो शिनाख्ती कार्ड रखते हैं वो फौरी तौर पर हुकूमत के PPAF का जो प्रोग्राम है इसको विज़िट करें, इसको देखें और उसके बाद जाकर आप अप्लाई करें। इंशाल्लाह हुकूमत की जानिब से आपको 50,000 और 75,000 रुपये की रकम दे दी जाएगी जिससे आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं।